Hello everyone, welcome to KHANTECH Education. In today's lecture, we are going to discuss about radioactivity in detail. आज की इस वीडियो में हम radioactivity को डिटेल से डिस्कस करेंगे. So without wasting your time, let's get started. So what is radioactivity? Radioactivity is the spontaneous disintegration of nucleus of an atom in which invisible radiation are emitted from the nucleus of atom. Radioactivity ka phenomena atom ke nucleus ke andar hota hai. Aur ye atom kyun karta hai? Because atom jo hai wo apne aap ko stable karna chahta hai in the form of radiations alpha, beta and gamma rays. Radioactivity ko sabse pehle हेनरी बेक्यूरल ने डिस्कवर किया इन 1896. अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना पाया जाता है. यहाँ एग्जाम्पल दिए मैंने रेडियम, यूरेनियम एंड थोरियम. यहाँ एक और बात बताती चलूँ आपको मैं कि रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिव elements and artificial radioactive elements या artificial radioactivity भी बोल सकते हैं. ऐसे elements जिनका atomic number 82 से above हो उनमें radioactivity का phenomena जो है वो पाया जाता है. ऐसे elements को natural radioactive elements कहा जाएगा और 82 atomic number से below जितने भी elements हैं उनमें radioactivity का phenomena नहीं पाया जाता, but उनमें भी हम radioactivity का फिनोमेना करवा सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेबोरेटरी में. कैसे करवाएंगे? एक एलिमेंट लिया हमने, उस पर हीलियम के बम्बार्टमेंट करवाएंगे तो उसमें से जो है वो रेज निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा. तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, बिकॉज हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो करवा रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. और जो विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो एग्जिस्ट करे जिन एलिमेंट्स में उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. तो रेडियम, यूरेनियम और थोरियम जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. तो आई होप सो ये आपको जो है वो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. फर्दर प्रोसीड करते हैं हम. रदरफोर्ड ने 1902 में नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज बताई हमें. हमें ये बताया कि रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज जो है रेडियो एक्टिव रेज में जो है वो कौन कौन सी रेज हैं. इट कंपोज्ड ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया. हम वो एक्सपेरिमेंट यहाँ डिस्कस करेंगे. रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेड ब्लैक बॉक्स में जो है वो कंपोज किया और उसके सामने जो है वो दो अपोजिट प्लेट जो है वो प्लेस कर दी और एक फोटोग्राफिक प्लेट जो है टॉप पे प्लेस कर दी. अब जब इस एलिमेंट में रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो स्टार्ट हुआ, जब रेज निकलना स्टार्ट हुई, इसमें से कंपोनेंट्स निकलना स्टार्ट हुए, तो कुछ कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गए, कुछ कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गए और कुछ कंपोनेंट्स, कुछ रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए. जो कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव कर गए हैं उन्हें जो है वो रदरफोर्ड ने अल्फा का नाम दिया और इन रेज के ऊपर खुद जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव किए. और कुछ कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गए तो उसको जो है वो बीटा का नाम दिया गया है और इन रेज के ऊपर खुद जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर गए. और कुछ कंपोनेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फोटोग्राफिक प्लेट की तरह मूव कर गए तो उन रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दैट्स व्हाई वो ना नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गए ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए. उसको जो है वो रदरफोर्ड ने गामा का नाम दिया. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने हमें नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज हमें बताई. इट कंपोज्ड ऑफ 3 रेज, अल्फा, बीटा एंड गामा का नाम दिया और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया. So that was all about today's lecture. I hope you all understood.
आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. खानटेक एजुकेशन. थैंक यू.